नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सर्वदलीय बैठक में पुलवामा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार को सभी दलों का समर्थन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शहीद जवानों का उनके पैतृक स्थानों में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नया भारत उन आतंकियों को नहीं बख्शेगा जो उसके जवानों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा, आतंकी हमले के बाद बहे एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत अगले महीने की 2 तारीख तक बढ़ाई। वाड्रा को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। एक अन्य अदालत ने अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर सौदा मामले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज की। और सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल और सौरभ वर्मा ने अपने अपने वर्ग में सिंगल्स का खिताब जीता। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बृहस्पतिवार को हुए कायराना आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के प्रति समर्थन व्यक्त किया गया। आज नई दिल्ली में हुई इस बैठक में सभी प्रकार के आतंकवाद और सीमा पार से उसे मिलने वाले समर्थन की भर्त्सना की गई। सर्वदलीय बैठक में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि भारत ने सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और देश ने इस चुनौती से निपटने में दृढ़ता का परिचय दिया है। बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की। उन्होंने कहा कि सरकार ने आतंकवादियों और उनसे जुड़े लोगों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट दे दी है। उन्होंने सर्वदलीय बैठक में कहा कि सरकार शुरू से ही आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर चल रही है और सीआरपीएफ के जवानों पर किया गया ये कायरतापूर्ण हमला आतंकवादियों की हताशा को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों का ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार शहीदों के परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि सभी दलों ने आतंकवाद से निपटने में सरकार के प्रति पूरा समर्थन व्यक्त किया। श्री तोमर ने कहा, प्रारंभ से ही हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की रही है। यह कायराना हमला आतंकवादियों की इसी हताशा को दर्शाता है। देश इस समय आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई को अंतिम परिणति तक हम पहुंचाएंगे। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कांग्रेस आतंकवाद से निपटने में सरकार के साथ है। हम देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, जनता की सुरक्षा के लिए हम सरकार के साथ खड़े रहेंगे आतंकवाद को खत्म करने के लिए। हमारा पूरा समर्थन रहेगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से जम्मू कश्मीर के छात्रों और लोगों को मिलने वाली धमकियों के मद्देनजर उनकी सुरक्षा के उपाय करने को कहा है। ये परामर्श सर्वदलीय बैठक के बाद आया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर जम्मू कश्मीर में शांति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है। इस बीच पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए उत्तर प्रदेश के 12 जवानों का अंतिम संस्कार आज पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया गया। ब्यौरा हमारे लखनऊ संवाददाता से। पुलवामा के शहीदों को उनके पैतृक गांव और स्थानों पर शोकाकुल वातावरण में अंतिम विदाई दी गई। इस अवसर पर कई मंत्री, जनप्रतिनिधि और आला अधिकारी मौजूद थे। कानपुर देहा जनपद में शहीद श्याम बाबू को केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने अलविदा कहा। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, महेश शर्मा सहित कई मंत्री अलग अलग स्थानों पर मौजूद रहे। राज्य सरकार ने शहीदों के परिजनों को 25-25 लाख रूपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करा दी है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। उत्तराखंड के 2 जवानों का भी आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। ESI मोहनलाल लतुड़ी का पार्थिव शरीर आज सुबह देहरादून स्थित उनके घर लाया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अन्य गणमान्य लोगों ने जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। उधर उधम सिंह नगर जिले के शहीद वीरेंद्र सिंह राणा का खटीमा में अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों को 25-25 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।
बिहार में सीआरपीएफ के दो शहीद जवान संजय कुमार सिन्हा और रतन ठाकुर का आज शाम अंतिम संस्कार पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ गंगा नदी के तट पर किया गया। एक रिपोर्ट। जवान संजय कुमार सिन्हा और रतन ठाकुर की अंतिम यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भावुक माहौल के बीच पटना जिले के मसौढ़ी में संजय कुमार सिन्हा के पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा। वहीं भागलपुर में रतन ठाकुर के पैतृक गांव रतनपुर से कहलगांव तक अंतिम यात्रा में लोग शहीद जवान अमर रहे के नारे लगाते रहे। गंगा नदी के किनारे जब रतन को घाट पर उनके 4 वर्षीय पुत्र ने मुखाग्नि दी तो लोगों की आंखें भर आई। आतंकी हमले के विरोध में आज भी राज्य भर में जगह जगह आक्रोश मार्च निकाला गया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। इस बीच बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना और भागलपुर के जिलाधिकारियों को 2 शहीद सैनिकों के परिवारों को 11-11 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने के आदेश दिए हैं। उन्होंने शहीद संजय कुमार सिन्हा और रतन ठाकुर के परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से 25-25 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दिए जाने की भी घोषणा की। तमिलनाडु में पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 2 जवानों का अंतिम संस्कार आज शाम पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ किया गया। राज्य सरकार ने 20 लाख रुपए का चेक अनुग्रह राशि के रूप में शहीदों के परिजनों को सौंपा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों की स्मृति में आज कोलकाता में कैंडल मार्च में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि भारतीय सेना पुलवामा के हमलावरों को सही समय पर सबक सिखाएगी। आज प्रयागराज में युवा कुंभ को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया क्योंकि हमारी संस्कृति और परंपराएं हमें शांति से जीना सिखाती हैं। जम्मू शहर में आज दूसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। सेना की तैनाती बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने पुलवामा आत्मघाती हमले के बाद भड़के हिंसक प्रदर्शनों के बाद कल शहर में कर्फ्यू लगा दिया था। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। आओ बेटा, अब मेरी उम्र हो रही है। आज तुम दोनों के सामने ये बात होना जरूरी है। ये मेरी वसीयत है, यहाँ साइन कर दो। सिर्फ मेरा और भैया का नाम, दीदी का नाम क्यों नहीं है? केशव, बेटियों के नाम तो आज तक वसीयतों में और जमीनों में नहीं लिखे गए। पापा, जो आज तक नहीं हुआ वही तो करना है। आज से हम सब बराबर हैं। वकील साहब, एक नाम और जोड़ दीजिए, बच्चे ठीक कह रहे हैं। बेटों और बेटियों में फर्क क्या करना? बेटियों के पंखों को खुलने दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। यार एक बात बता। हाँ बोल। तू नहाते हुए खाना खा लेता है? क्या बोल रहा है यार। अच्छा तो फिर खाते खाते डांस कर लेता होगा? कैसी बातें कर रहा है। चल डांस करते करते पढ़ाई तो कर ही लेता होगा। ऐसा भी कर सकता है क्या? अरे हर काम में फोकस चाहिए, फोकस। तो ड्राइविंग करते हुए फोकस कहाँ है? ड्राइविंग करना एक जिम्मेदारी है जिसमें आपकी एक छोटी सी गलती सड़क पर किसी की जिंदगी ले सकती है। तो ऐसे में आप तेज आवाज में गाने सुनना, फोन पर बातें करना, मैसेज करना, खाना, यहाँ तक कि मेकअप करना भी कैसे अफोर्ड कर पाते हैं? ध्यान रहे, डिस्ट्रैक्टिव ड्राइविंग हो सकती है। डिस्ट्रक्टिव ड्राइविंग, तो फोकस रखें ड्राइविंग पर। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कैसे पूरा होगा बापू का सपना? कैसे बनेगा स्वच्छ भारत अपना? बुरी आदतें हमारी नहीं समझेंगी अपनी जिम्मेदारी। जाने अनजाने कभी भी कहीं भी कूड़ा करकट फेंकते हैं। सिर्फ अपनी गली मोहल्ले स्कूल ही नहीं बल्कि नदियों को भी अस्वच्छ करते हैं। खुद को नहीं अपनी आदतों को भी बदलेंगे। कूड़े को निर्धारित कूड़ेदान में ही डालेंगे। जब पूरा करेंगे बापू का सपना, स्वच्छ रहेगा भारत अपना। अपने शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अव्वल बनाएं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। मुबारक हो, पोती हुई है। दादाजी, घर का मुखिया होने के नाते अब आप पंचायत जाइए और जन्म का पंजीकरण कराइए। ये 21 दिन के भीतर कराना कानूनन जरूरी है। हाँ, जन्म का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट जरूर हासिल कीजिए, ये हर जगह काम आता है। एक रिश्ता है, प्यारा बंधन है, ये जीवन हो रोशन ये फर्ज निभाना है। जन्म का पंजीकरण हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद बहे एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। सीआरपीएफ के जवानों पर बृहस्पतिवार को हुए आतंकी हमले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि नया भारत अपने सैनिकों पर हमले के लिए बंदूकें और बम उपलब्ध कराने वालों को नहीं बख्शेगा। ये संयम का समय है, संवेदनशीलता का समय है,
ये शोक का समय है, लेकिन उनके परिवारों ने जो स्वजन खोया है, आपकी आंखों में जो आंसू है, उन आंसू का पूरा पूरा जवाब लिया जाएगा। महाराष्ट्र के धुले में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि नए भारत की नई नीतियां और तौर तरीके हैं और अब विश्व ये अनुभव करेगा। प्रधानमंत्री ने आज यवतमाल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। यवतमाल में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को हमले को अंजाम देने वालों को सजा देने के लिए खुली छूट दी गई है। पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ रहा हूं। शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंक के सरपरस्तों ने जो गुनाह किया है वो चाहे जितना छिपने की कोशिश करें, उन्हें सजा जरूर दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मकानों की चाबी सौंपी। उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए हमसफर एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। धुले में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लोअर पंजारा मीडियम प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि मध्य प्रदेश एवं गुजरात के समीप होने के कारण धुले यकीनन भविष्य में सूरत के समान विकास के लिए स्पर्धा करेगा तथा एक उद्यम केंद्र होने के लिए धुले एवं खानदेश में सभी संभावनाएं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस दिशा में खानदेश के लिए रेल की सुविधाएं तथा जल आपूर्ति योजनाओं का प्रबंधन किया है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना के धुले से लाभार्थियों से बातचीत की और बताया कि महाराष्ट्र में अब तक 70,000 लोगों को इस योजना का लाभ मिला है। आकाशवाणी समाचार के लिए धुले से मनोज क्षीरसागर। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा और सह आरोपी मनोज अरोड़ा की अंतरिम जमानत अगले महीने की 2 तारीख तक बढ़ा दी है। अदालत ने वाड्रा को जांच में सहयोग करने का निर्देश भी दिया है, क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय ने कहा था कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 3,600 करोड़ रुपए के अगुस्ता वेस्टर्न वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मामले में गिरफ्तार किए गए बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका आज खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामलों में मिशेल की याचिका को खारिज कर दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजमहल के साए में कला, शिल्प और संस्कृति का उत्सव ताज महोत्सव 18 से 27 फरवरी शिल्पग्राम आगरा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हाय माँ, मैं बात करूँगी। सुनो जी मैडम जी, बच्ची का ख्याल रखा है कभी? कहाँ रहती है? पैन कार्ड है हमारे पास, तो ये होता है। थैंक यू शीला, ऐसे कैसे भरोसा कर लिया? चोरी का भी तो हो सकता है। अच्छा आधार? जी आधार तो ऑनलाइन वेरीफाई भी हो सकता है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो आप सोच लो मम्मी, फायदे में रहोगी। तो आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। नमस्कार, मैं नितिन गडकरी बोल रहा हूँ। आज जब देश पूरे जोश के साथ डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर हो रहा है, तो मोबाइल फोन का भी महत्व पहले से और भी ज्यादा बढ़ रहा है। पर गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का प्रयोग करना आपको हादसों का शिकार बना सकता है और आपके अरमानों पर पानी फेर सकता है। एक सुरक्षित और बुलंद डिजिटल इंडिया के लिए गाड़ी चलाते वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्राइविंग पर ध्यान दीजिए और अपनी जान को बचाइए। जय हिंद। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल और सौरभ वर्मा ने अपने अपने वर्ग में सिंगल्स खिताब जीत लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वदलीय बैठक में पुलवामा आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है। सभी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार को समर्थन व्यक्त किया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शहीद जवानों का उनके पैतृक स्थानों में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया भारत उन आतंकियों को नहीं बख्शेगा जो उसके जवानों को निशाना बनाते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले के बाद बहे एक एक आंसू का बदला लिया जाएगा। दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा की अंतरिम जमानत अगले महीने की 2 तारीख तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।